ये सफ़र थोड़ा कुछ 74 साल के बाद भी हमें महसूस होता है कि हम इसमें कामयाब नहीं रहे। कामयाब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे और हुआ ये कि बेहतरी के बजाय अब हम नीचे की तरफ ज़वाल पज़ीरी का शिकार। मतलब देखिए चादर हमारे यहाँ कहा तो जाता है कि एक रवायत और एक सकाफत और एक कल्चर का हिस्सा है ना, और अगर हम अपने इलाकों को देखें तो हमारा सिंध, हमारा बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद, हर जगह चादर मर्द के लिए भी एक बड़े फ़ख्र की और बड़े इफ्तखार की अलामत है और ख़वातीन का के लिबास का भी एक जुज थी। ये महज कल्चर नहीं था, इलाकाई कल्चर नहीं था, बल्कि इसके पीछे जो जड़ें थीं, जो इसकी रूट थी, वो इस्लाम था और इस्लाम से वो कल्चर आया था। जैसे आप ये देखें कि जो सिंध की टोपी है, सिंध की जो टोपी में मेहराब बनी होती है, तो वो दरअसल सजदे की जगह के लिए वो बनाई गई।